नमस्कार, आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। गरबा उत्सव की नो तिलक नो एंट्री पर आइए जानते हैं नागपुर का स्टैंड। इस नवरात्रि नागपुर में भी गरबा उत्सव में नो तिलक नो एंट्री देखने मिल रही है। ऐसे में क्या है इस एंट्री क्लॉज का रीजन, आइए जानते हैं द हिंदू फ्रंट के प्रेसिडेंट सागर पांडे से। जय श्री राम, जय माता दी। मेरा नाम सागर पांडे है, मैं नागपुर से हूँ। पिछले कई दिनों से एक कॉन्ट्रोवर्सी चालू है नवरात्रि को लेकर कि गैर हिंदू धर्म वालों को एंट्री का प्रोविजन नहीं हो रहा है या आधार कार्ड उनका चेक हो रहा है, ऐसी कुछ बातें चल रही है। तो मेरा उस पर ऐसा कुछ टेक है कि देखो, सबसे पहली बात, हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? हम नवरात्रि इसलिए मनाते हैं कि हम माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गरबा करते हैं। हमारा हिंदू धर्म हमको बताता है कि आप माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करिए, टीका लगाइए, बाकायदा गरबा करिए, जाकर उनको प्रसन्न करिए। रात का जगराता होता है हमारा, हम माता के भजन गाते हैं, हम महाप्रसाद रखते हैं। पिछले कई दिनों से जो लोगों को प्रॉब्लम होती थी या भगवानों से सोशल मीडिया पे उनको कुछ बोलना या कभी कुछ कहना, वो लोग अभी एकदम से खड़े हो गए हैं कि हमको गरबा में एंट्री नहीं मिल रही। तो मैं उन लोग को बोलूँगा कि आपको अगर इच्छा है गरबा की, आपको करना है, तो हमारा हिंदू धर्म है, हमारे कुछ रिचुअल्स है, आप उनको फॉलो करिए और आप करिए। और फिर भी आपको कहीं भी एंट्री नहीं मिल रही है तो आप अच्छा सा एक ग्राउंड देखिए, देवी माता की फ़ोटो लगाइए, पूजा अर्चना करिए और आप भी गरबा करिए। हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, हम बस चाहते हैं कि हमारे जो रिचुअल्स है, हमारा जो धर्म है, उसमें खेल खिलवाड़ ना हो। हम दुर्गा माता की पूजा अर्चना क्यों करते हैं? हम नवरात्रि के 9 दिन इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि हम दुर्गा माता को प्रसन्न कर सके गरबा करके। और जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र है, जो उन्होंने कंडक्ट रखा है, जो जिन्होंने पैसा लगाया है, जिन्होंने सब चीज़ें की है, हम उनके हिसाब से चलेंगे। आप और मैं कोई नहीं है उसमें उनको बताने वाले कि इनको एंट्री दो या इनको एंट्री ना दो। ये उनका टेक है और हम उनके हिसाब से चलेंगे। ये हमारा धर्म है, हमारी आस्थाएं है, उनको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और फिर भी अगर आपको गरबा करना है, आप इच्छुक है, तो आप बढ़िया एक ग्राउंड बुक करिए, एक आप उसमें माता जी की फ़ोटो लगाइए, पूजा अर्चना के साथ बढ़िया सा गरबा करिए और बढ़िया उसमें माता का पूजा अर्चना करिए। मैं उसमें आपका साथ दूंगा। जय श्री राम।